जानवी बिटिया, ओ जानवी बिटी, का हुआ बेटा? स्कूल नहीं जाना है का? चलो उठो। अम्मा, बुखार। बुखार? तो माथा तो ठंडा है तुहार। शशि, ओ शशि। शशि, देख तो, बिटिया बोल रही है बुखार है। बुखार जानवी? कहाँ है ना? हमें तो काम पे जाना है। तुम डॉक्टर क्या दिखा लाओगी? ठीक है जीजी, आप जाओ। हम है ना, हम लेके जाएंगे जानवी को डॉक्टर के पास। मौसी के साथ जाओगी डॉक्टर क्या? बहुत अच्छा, चल। आगे हम लोग डॉक्टर के पास, और इस डॉक्टर के पास तो कोल्ड ड्रिंक भी है। उतरो। चल जानवी। क्या हाल है डॉक्टर बाबू? लो आ गए हम। ये लो बेटा, तुम्हारा फेवरेट कोल्ड ड्रिंक। आते हैं इसको बाहर छोड़ के। जानवी तुम यहाँ बैठो, एक कोल्ड ड्रिंक पियो, हम अभी आते हैं। ठीक है? तुमने तो हमको फोटोग्राफर से डॉक्टर बना दिया। अरे तुम हमारा दो चार फोटो अच्छा खींचो, वरना डॉक्टर क्या, फोटोग्राफर भी नहीं बनने देंगे। चलो जाओ। अरे बाबा इतना घमंड? वैसे तुमको देखकर ऐसा लगता नहीं कि तुम इस शहर में सिर्फ एक साल पहले ही आई? एकदम तुम एकदम हीरोइन लगती हो। तुम हीरोइन तो हम है ही। तुम हमारा हीरो, हम तुम्हारे हीरोइन। सच्ची? चलो अब तुम टाइम वेस्ट मत करो, हमारा फोटो लो जाके। जाओ जाओ। तो हर फोटो खींचे। अरे थोड़ा पोजीशन तो बदलो। क्या हो गया? तबीयत ठीक हो गया तुम्हारा? हाँ देखे, सुबह स्कूल जाने के नाम पर तो बुखार चढ़ गया था तुमको। वो क्या है ना दीदी, वो डॉक्टर बहुत ही अच्छा था, ऐसा दवाई दिया ना कि जानवी का बुखार तो फुर हो गया। देखिए कैसे हंस रही है ना जानवी। वो तो देख ही रहे हैं हम, बहुत ही अच्छा डॉक्टर था। मस्ती हो गई हो तो पढ़ाई कर ले, चलो। दो जानवी को डाल दो। हाँ दी है, कैसी बनी है? दाल अच्छी बनी ना? हाँ ये लीजिए। अरे सब्जी भी आ गई। भाई वाह, आपने तो कमाल कर दिया साली साहिबा, दाल है ना बहुत अच्छी बनाई हो। भविष्य की होने वाली आईएएस के हाथों की दाल, वाह क्या बात है, मजा आ गया। अरे जीजा जी, हम तो हमेशा ही कमाल करते हैं। ये बात तो है। एकदम सही कह रहे हैं। पता है तुम्हारे आने से कितनी मदद मिल गई है हमको? तुमने अपने पढ़ाई के साथ साथ जानवी को भी बहुत अच्छे से संभाल रखा है, वरना हम दोनों को कहाँ टाइम मिलता है। जीजी आप हमारी बड़ी बहन है और हम जानवी की इकलौती मासी, तो इसके नाते हमारा फर्ज बनता है ना। अब बहुत हो गया तारीफ, खाना खाइए। सही कह रही है, खाइए खाइए, जल्दी से खा लो फिर स्टडीज। अम्मा हमको मौसी के साथ सोना है। देख लो। ठीक है तो कह रही है जीजी, ये हमारे साथ सो भी जाएगी और हम इसका होमवर्क भी करवा देंगे, है ना जानवी? करेगी ना होमवर्क? हाँ मौसी हम करेंगे। चलो खाओ अभी।
जानवी, हमको मालूम है तुमको स्केचिंग बहुत पसंद है, लेकिन जब तुम्हारी अम्मा को पता चलेगा ना कि तुम पढ़ाई के नाम पे क्या कर रही हो, तुमको बहुत ही डांट पड़ेगी और तुम्हारे साथ साथ हमको भी पिटाई लगेगी। मौसी, आपको हम पिटने नहीं देंगे क्योंकि आप मेरी प्यारी मौसी हो। हमारे बच्चों का कल कैसा होगा इसका पूरा दारोमदार इस बात पर होता है कि वो आज क्या सीख रहे हैं। बहुत से परिवारों में पति पत्नी दोनों कामकाजी होते हैं, इसीलिए उन्हें ज्यादातर समय घर से बाहर रहना पड़ता है और ऐसे में बच्चे घर में अकेले होते हैं। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि घर में अकेले बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? क्योंकि यहां शशि जानवी को जो कुछ सिखा रही है वो यकीनन उसके भविष्य को गलत राह पर धकेल रहा है। जानवी, अरे बिटिया जल्दी करो। जी जी। अरे बहुत देर हो जाएगी हमको। जी जी, क्या है ना, आज हमको कोचिंग का फीस जमा करना था। अरे देखो जल्दी में हम तुम्हारी फीस देना तो ठीक है। अरे अभी सभी रख लो। जानवी। हाँ माँ। अरे चलो जानवी, हाँ बहुत देर हो जाएगी। अरे वाह, तुमको कैसे पता कि हमको यहाँ का आइसक्रीम बहुत पसंद है? पता काहे नहीं रहेगा, तुमसे प्यार जो करते हैं, तुम्हारी पसंद ना पसंद का ख्याल हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? जो हमारे भैया है ना, चैन से तो कहीं रहने ही नहीं देते। उनके साथ रहते थे तो वैसे ही परेशान करते थे। अब हम यहाँ जीजी के साथ बहुत चैन से हैं तो वहाँ भी बार बार फोन कर उसको स्विच ऑफ कर देते हैं। न रहेगी बांस न बचेगा बांस। ए शशि सुनो, सुनो ना। हाँ बोलो। ड्रेस हम खरीदे हैं तुम्हारे लिए, पहन कर दिखाओगी? हाँ कहे नहीं, जरूर पहन के दिखाएंगे। एक तो और बात बोले, किसी आओगी तो नहीं ना, शादी कर लो हमसे। शादी? हाँ कहे नहीं, पहले तुम एक अच्छा नौकरी तो ढूंढ लो, एक अच्छा सा घर ले लो, फिर हम करेंगे ना तुमसे शादी। हाँ, अब कुछ और मंगा दे तुम्हारे लिए। देखा दीदी, सवेरे से फोन लगा रहे हैं, फोन भी नहीं उठा रही है, काट रही है, और अब फोन स्विच ऑफ करके रख दिया। तुम काहे इतना टेंशन लेते हो? हाँ चलो चाय पियो, लो। अपने दिमाग को ना थोड़ा ठंडा रखना सीखो। ऐसा जीजी, वो हमारे साथ हुआ रहती थी ना, यही सब नाटक करती थी, फिर भाग के आ गई आपके पास गोरखपुर। आईएएस का तैयारी कर रही है, 3 बार फेल हो चुकी है, 1 साल से यहाँ रहकर तैयारी कर रही है। कौन सी तैयारी कर रही है आईएएस की? अरे अनिल, तुम जानते हो इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास होने में टाइम लगता ही है। हा? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे हम हमारी बहन को जानते ही नहीं। हा? अरे तो हम भी जानते हैं अपनी बहन को। मामा। अरे मेरा बेटा। अरे तुमको पता है जब से वो आई है ना, इसको संभालती है, खुद की पढ़ाई संभालती है, ये पूरे घर को संभालती है, और क्या करेगी? हाँ बेकार में शक करते रहते हो, बार बार रोका टोका मत करो उसको। ऐसा है जीजी, अभी आपको ना हमारी बात पे भरोसा नहीं हो रहा है, देखिएगा फिर धोखा खाइएगा तब भरोसा होगा। अरे भैया आप, नमस्ते। अरे नमस्ते को मारो गोली, कहाँ थी सवेरे से, फोन कर रहे हैं, फोन काट रही हो, आप फिर स्विच ऑफ करके रख दिया। आप कोचिंग में फोन कैसे उठाते, एक बार फोन काट देते तो बार बार फोन करते भैया, इसलिए फोन स्विच ऑफ कर दिए। जीजी एक तो हम इतना मेहनत करके पढ़ाई करते, ऊपर से आप लोग को हम पे भरोसा ही नहीं होता। ऐसा ही रहेगा। चलो तुम अंदर जाओ। चलो चल जानवी, हम तुम्हारा होमवर्क भी करवा दें। देखा थक हार के आई है, लेकिन होमवर्क कराए बगैर सोएगी नहीं, तुम तो है ना। जीजी हम फिर से कह रहे हैं कि लड़की पे नजर रखिएगा, माँ पिताजी के जाने के बाद ना कि हमारे साथ रही है, इसकी रग रग से वाकिफ है हम, ऐसा ना हो कि हम नजर रखना छोड़ दें और इन नजरों से ओझल हो जाए। हम तुम्हारे लिए वो चीज लेके आए, पहले अपनी आंखें बंद करो। क्या है मौसी? ये रहा हमारे कोचिंग के फीस से तुम्हारा हिस्सा। वाह चॉकलेट! आप बहुत अच्छी मौसी।
ये लो तुम्हारी अदरक वाली चाय। अरे जिज्जी तुम्हारी चाय हो गई कि बीरबल की खिचड़ी। अम्मा हाँ वो हमको बुखार था ना तो हम स्कूल नहीं जा पाए थे, तो स्कूल का काम रह गया इसलिए हमें निम्मी के घर जाना है। हाँ तो ठीक है हम ले चलते हैं चलो। अरे जिज्जी आप काहे परेशान हो रही है? हम है ना हम लेके जाएंगे जानवी को और हमको भी तो कोचिंग जाना है हम जाते हैं। ठीक है संभल कर जाना चल जानवी और जल्दी आ जाना दोनों। कोचिंग का हुआ अपनी जानवी को तो संभाल रही है ना अच्छे से, अब तुम चाय पियो। का बात है तुम्हारी, का चमक है तुम्हारे चेहरे की, कौन कहेगा तुमको देसी मेरी विदेशी। अरे तुम हमको काईसी वैसी समझे हो हा? हम ट्रांसफार्मर है ट्रांसफार्मर समझे। अरे समझ गए हम तुमको हमारी ट्रांसफार्मर कुमारी। चलो अब हमको जाना होगा हम कपड़े बदल लेते हैं। का है बाहर जाने इंतजार कर रही है ना, फिर हम घर अकेले पहुंचे ना तो फिर हमारे जो खरूस भैया है ना हमारा जीना मुश्किल कर देते हैं। चलो हम कर लेते हैं। जानवी 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 जीजी 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 जी जानवी जानवी कहाँ है शशि? जीजी हम चौक पर रुक गए थे हमको अपने लिए कलम लेना था अचानक देखे तो जानवी गए बहुत तेज ढूंढे जीजी तो हम नहीं मिले। देखा जीजी देखा यही खातिर ही अपना घर में नहीं रहती है भाग भाग यहाँ आती है और यहाँ भी वही गुल खिला रही है। आप लोग कुछ बोलते तो हो नहीं, आई है आईएएस का एग्जाम लिखने के लिए 6 साल से यही सुन रहे हैं, अब चुपचाप अपने घर चलो चलो। वही नहीं जाएगी है हाँ कह देते अब सीधा अपना ब्याह करके ससुराल जाएगी और कहीं नहीं। जीजी जानवी घूम गई है और आप कहीं नहीं गई जानवी घर ही में है पर तुम्हारी लापरवाही हमने की। जब तुम उसको फोटो स्टूडियो के बाहर बिठाई थी ना उसको लेकर घर आए हम वो देखो मन तो किया कि वहीं पे उसको पटक के मार मगर आप लोग तो हमारी बात का विश्वास ही नहीं करते। देखो जीजी अब वक्त आ गया है इसका हाथ गोड़ तोड़ के सीधा करने का और हम तोड़ डालेंगे इसका हाथ पैर बस। क्या हो ससुराल से बाहर आया है क्या? अरे काहे रो कह रही हो? जीजी ने फिर डांट दिया का? अरे का हुआ क्या? चुप रहिए आप हाँ कहे देते हैं वरना हम है ना दीवार में सर मार लेंगे अपने। अब तो इसका ब्याह करना पड़ेगा। अच्छा हम सब पर बोझ बन गए हैं ना हमको नहीं करनी शादी वादी। माँ बाप का बस चले तो वो 24 घंटे अपने बच्चों को सीने से लगाए रखे। कोई भी माँ बाप नहीं चाहते कि बच्चा पल भर के लिए भी उनकी नजरों से ओझल हो क्योंकि जब बच्चा सामने नहीं होता है तो हमेशा यही डर लगा रहता है वो ठीक भी है या नहीं और इसीलिए हम किसी नौकर या मेड पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करते हैं। उनकी निगरानी के लिए भी 1000 इंतजाम करते हैं लेकिन हमारा बच्चा अगर किसी अपने के साथ हो किसी रिश्तेदार के साथ हो तब हम निश्चिंत हो जाते हैं क्योंकि अगर अपनों पर भरोसा नहीं कर सकते तो फिर किस पर कर सकते हैं। मगर फर्ज कीजिए अगर आपका कोई अपना शशि जैसा निकले तो, क्योंकि शशि जो कुछ कर रही है उससे साबित हो गया है कि वो भरोसे के काबिल नहीं है। जानवी इस बार तो सही सलामत घर वापस लौट आई है लेकिन क्या शशि जैसी गैर जिम्मेदार मौसी के साथ वो सुरक्षित रहेगी? हेलो क्या हाल शशि मैडम? फोन नहीं उठा रही हो क्यों? अरे का बताए पूनम कि जो हमारी जीजी और भैया है ना एकदम पगला गए हैं चैन से तो जीने ही नहीं दे रहे सर पे तांडव करके रख रखा है। क्यों क्या हो गया? जीजी हमारी शादी करवाना चाहती है। अरे तो सही है ना कर ले शादी। वैसे भी मैं तो बता दूं ये रोज रोज के किचकिच से बचने का यही एक आसान तरीका है। पूरे दिन पति दफ्तर में और सारे पैसे तेरी जेब में फिर कर जो मन चाहे। का बात कर रही है ऐसा का? हाँ पूरे दिन पति दफ्तर में और सारे पैसे तेरी जेब में
हाँ, शादी की ई तारीख ठीक है जीजी। अब सभी तुम्ही को संभालना है, हम तो कहते हैं आज ही लड़के वालों से बात करके। अरे जाके बात करने की क्या जरूरत है, फोन पे उनको शादी की तारीख बता देते हैं, वो भी इंतजाम कर ले। अरे लेकिन सुनिए ना, एक बार जरा शशि से भी बात विचार कर लीजिए। अरे अब इससे क्या बात विचार कर ले जी। जी हम शादी करने के लिए तैयार है। लो तैयार है, और नहीं भी तैयार होती ना तो भी तुम्हारी शादी हम करवाते। अरे अरे अरे, अरे साले साहब अब तो शांत हो जाइए, अब तो उसने शादी के लिए हाँ भी कह दी। भाई जानवी की अम्मा, सबका मुंह मीठा कराओ। अरे तो आप दुल्हन के जीजा हो, आप ही मुंह मीठा करवाओ। क्या है, सब कुछ हम ही करेंगे, तुम कुछ नहीं करोगे। खर्चा करो थोड़ा सा। हमारे पास भी आपके जैसा लहंगा है, दुल्हन वाला। हमको मालूम है बुआ, अब तुम पहन के हमसे भी ज्यादा सुंदर दिखोगी। बहुत ही सुंदर दुल्हन मिली है हमारे देवर बाबू को। पर देवरानी जी ध्यान रखिएगा, हमारे देवर बाबू खाने पीने और सफाई के मामले में बहुत चिढ़ते हैं। एक तो लोग हो घर में तब ना, 15-15 लोगों का खाना बनाना पड़ता है। 100 के आसपास तो रोटियां बनती है हमारे घर में। झाड़ू पोछा, साफ सफाई सब करना पड़ेगा। करेगी बहू। घबरा गई होगी, लाडली है ना हमारी। हम अभी आते हैं, आप लोग कचौरी समोसा खाइए ना। हाँ अभी आते हैं हम। टीका तमाशे करके आई हो बाहर? हाँ क्या कर रही थी तुम, पगला गई हो क्या? हाँ, पगला गए। धीरे 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 बोलो, लोग यहीं बैठे और बहुत इज्जत है हमारा। अरे हमको तो लगा था शादी करके जाएंगे तो आपके रोज रोज के ताने से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन यहाँ तो नौकरानी लेने आए लोग। तुमको नहीं करना घर का काम, जाके कह दीजिए लड़कों वालों से अपना काम खुद ही कर ले, हमसे नहीं होगा, हमको नहीं करना शादी। एक लपड़ देंगे ना तो सारा चर्बी उतर के बाहर आ जाएगा तुम्हारा, और सारी बात दिमाग से निकाल दो तुम। कहे कि शहर में बहुत इज्जत है हमारी और उसको मिट्टी में नहीं मिलने देंगे। शादी तो तुम्हारा करा के रहे, समझी? कहा है ना जीजी, अब भी आप ही की बहन है, देखते कैसे होती है शादी। इस लड़की का दिमाग दिन पे दिन खराब होता जा रहा है, क्या करे का ना करे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब अभी तुम जाओ। ऐसा ही टाइम पास? ऐसा मानेंगे ना सारा टाइम पास तुम्हारा निकाल देंगे। अरे बाबा, लगता है आज हमारी ट्रांसफार्मर तुम्हारी हमको मार कर ही रहेगी। तुमको पता भी है क्या हो रहा है? हमको कहाँ पता क्या हो रहा है, शादी हो रही है हमारी। अरे हाँ हमको पता चला है, और तुम्हारी शादी का जो फोटोग्राफी का ठेका है ना, वो हमको ही ना मिला है। तुमको शर्म लिहाज नहीं है, कहाँ छोड़ के आयो? वही जहाँ तुम छोड़ आई हो। देखो तुमको ना हमारी शादी रुकवानी होगी, शादी नहीं करना चाहते हम। पगला गई हो का? काहे हम तुम्हारी शादी रुकवाएंगे भाई? तुम नहीं रुकवाओगे हमारी शादी। अरे ये जो उल्टा फुल्टा आइडिया अपने दिमाग में डाले हो ना, इसको बाहर निकालो, समझे? और घर जाकर हाथों में मेहंदी लगाओ। आते हैं अभी हम तुम्हारे फोटो खींचने। शादी तो हम करेंगे नहीं, लेकिन तुमको भी नहीं छोड़ेंगे, देख लेना। आना कभी कभी, शादी के बाद भी हम यही ना मिलेंगे। चल जानवी। भगवान कैसे हो गया ये? तुम तो ठीक हो ना? हाँ अम्मा हम ठीक हैं। देखिए ना मौसी स्कूटी से गिर गई, इतना चोट लगा है। राम जी हमको बहुत दर्द हो रहा है। जी जी
अब हमारी शादी कैसे होगी? कौन करेगा हमसे शादी? अच्छा, तो कौन करेगा तुमसे शादी, ये बात की फिक्र लग गई तुमको? तो इस नौटंकी में तुम दोनों भी शामिल हो। हाँ चलो निकलो यहाँ से। कहा जानवी, तुमको कछु नहीं हुआ? मौसी का तो पैर टूट गया। हमसे झूठ बोल रही हो? अपनी अम्मा से झूठ भी बोलना सीख गई तुम? तुम इसको काहे डांट रही है? हम इसको बैठाने ही वाले थे कि। चुप करो तुम, बहुत हो गया तुम्हारा। देख लिया, हम जानते हैं तुम्हारा पैर की हड्डी नहीं टूटा है, लेकिन तुम हड्डी तोड़वाने का काम जरूर कर रहे हो जी ना। हाय राम, देखो तो। चलो मौसी का चक्कर में झूठ बोलना सीख गई हो? हाँ, पढ़ाई पर ध्यान नहीं है बिल्कुल। चलो जाकर पढ़ाई करो। यो प्लान काम नहीं आया। जानवी हाथ हटा, हाथ हटा जानवी। मौसी, आप गुस्सा हो ना मेरी वजह से, मैंने ही आपको डांट दिलवाई। नहीं जानवी, इसमें तुम्हारा कोनो गलती नहीं है। क्या है ना, हम ही तुमको ठीक से नहीं सिखा पाए थे। पता नहीं जिज्जी समझ कैसे जाती है। अच्छा चलो तुम अपना काम करो। कर रही थी जो कर। हेलो। हाँ कैसे हो? क्या है, आज हम सोच रहे थे तुम्हारे दिए हुए कपड़ों को उद्घाटन कर ही दे। हाँ तो आ जाना 2 बजे वही जगह पे। ठीक है। अरे अरे आप तो बिल्कुल फिट आया तुमको। कुछ तारीफ करोगे कि बस फिटिंग ही देखते रहो? तुमको देखते ही हम सब कुछ भूल जाते हैं, कहाँ बताएं? एक वैसा बात बताएंगे ना कि अपने आप को भूल जाओगे। अरे शादी हो रही है हमारी। शादी? हाँ शादी। तुम बस हमारे घर के आसपास ना चक्कर ही काटते रह जाओगे। हम तो तुमसे एक पल भी दूर नहीं रह सकते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं तुमसे। एक तरकीब है, भाग चलो। अरे क्या तुम पगला गए हो? हाँ हमारे भैया ना सही कहते हैं कि हमारा किस्मत ही फूटा हुआ है जो तुमसे दिल लगा। अरे कोई और होता ना तो जान दे देता हमारे लिए, लेकिन तुम। अब जब हमसे ये गलती हो ही गया है तो तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच नहीं सकती। ए ससी इधर देखो, ए ससी देखो इधर, से प्यार करती हो ना, बस हम तुम्हारे लिए कुछ हो कर सकते हैं, पर हमको बताओ तो सही, हम करें का? अब नहीं करेंगे ना तो खुद चूड़ी पहना देना। हमको तुमसे ऐसी उम्मीद थी। अच्छा चलो हटाओ उसे, हमको जाना होगा। आजकल भैया से ज्यादा पहरेदार तो जिज्जी हो गई। चलो हम जाते, ख्याल रखना अपना। जी जी हम जानते हैं आप हमसे बहुत नाराज हैं, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया जी जी। हम जाने अनजाने में जानवी को बिगाड़ने का कोशिश की। जीजी हमको माफ कर दीजिए, हम दोबारा से ऐसा गलती नहीं करेंगे। जीजी जीजी आप हमको मार लीजिए, पीट लीजिए, आपका हक बनता है, लेकिन हमसे ऐसे नाराज मत होइए जीजी। क्या पगला गई हो? हाँ हम मारेंगे तुमको हम? अरे बहन हो तुम हमारी, कभी जानवी से तुमको अलग समझा है? बहुत ही प्यार करते हैं तुमको हम। तो बात कहें तुमको, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ ना, बस बहुत है हमारे लिए, बहुत है। शशि शादी एक बहुत ही सुंदर रिश्ता है, इसे दिल से स्वीकार करो। हाँ और चलो अब ये रोना धोना बंद करो। हाँ चलो जाओ, देखो मेहमान आना शुरू हो गए। हाँ मेहंदी की रस्म शुरू होने वाली है। हाँ
जाओ, हम तुम्हारी लाडली को उठाकर अभी आते हैं। अब तक सो रही है, हाँ खुश रहो, जाओ। जानवी, ओ जानवी बिटिया, चलो उठो 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 उठो, हाँ आज मेहंदी है, चलो बेटा। बेटू अब जल्दी से नहा धो के फ्रेश हो जाओ और उसके बाद ये ड्रेस पहन लो, ठीक है? चलो। अम्मा, हाँ? हमको ये वाला नहीं, हमको दुल्हन वाला लहंगा पहनना है। अरे लेकिन वो दुल्हन वाला लहंगा तो तुम शादी के दिन पहनने वाली थी ना, अभी यही पहन लो, चलो चलो चलो। नहीं नहीं नहीं, हमको दुल्हन वाला लहंगा पहनना है, दुल्हन वाला, दुल्हन वाला। अच्छा बाबा, दुल्हन वाला ही पहनो, लाते हैं। ये वाला देखिए तो हमारी बिटिया कैसी सजती। अरे वाह, कल को हमारी बिटिया की भी शादी होगी, हाँ? और फिर तुम्हारे लिए शहर का सबसे अच्छा लहंगा बनवाएंगे, सोने का तार लगवाएंगे उस पे। सच में? सच में। भैया वो फूल लगा हुआ पे। जानवी, टांगो यार लपक के। अनिल, जानवी को देखे हो कहीं? अरे जिज्जी, शादी वाला घर है, इतने सारे बच्चे हैं, खेल रही होगी किसी के साथ। आपके कमरे में कौन सोया है? जुन्नू की बिटिया है, दूसरी लड़कियां हैं। अरे हमने सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं दिख रही। अरे तो होगी कहीं आसपास। क्या हुआ? जानवी नहीं मिल रही है। यही कहीं खेल रही होगी, काहे परेशान हो रही है? काहे परेशान हो रहे? अरे हमको बहुत ही टेंशन हो रही है अनिल। अरे ससी के साथ होगी, उसी के साथ तो चिपकी रहती है रात दिन। ससी, अरे ओ ससिया, ओ शशि, ओ शशि, अरे जल्दी आ, जल्दी आ। जानवी कहाँ है? जानवी, हम तो बहुत देर से उसको नहीं देखे हैं। अरे तुम्हारे पास ही तो छोड़ के आए थे। अरे डांस नहीं कर रही थी तुम लोग? नहीं जीजी, हमारे साथ नहीं है। कहाँ गई जानवी? अच्छा तुम चिंता ना करो, देखते हैं। कैसे चिंता नहीं करें, चलिए चल के ढूंढते हैं, चलिए। जानवी, जानवी, अरे जानवी, 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 कहाँ गई हमारी जानवी? शशि कहाँ ढूंढे उसे? भैया मिली का जानवी? अरे कहाँ, बोले पुलिस वाले, कहाँ है हमारी बिटिया? बोले 48 घंटे से पहले कंप्लेंट नहीं दर्ज कर सकते। अरे ऐसे कैसे 48 घंटा, पगला गए का? अरे हटाओ फुलगुल, कोई शादीवादी नहीं होगी, कहीं हमारे लापरवाही की वजह से हमारी जान में गैस तो नहीं होगी। जय जी, लड़के वालों का बार बार फोन आ रहा है, उनको मना कर दें, कहा कि शादी नहीं हो पाएगी। हाँ मिश्रा जी, अरे दरअसल शादी में ना एक व्यवधान आ गया है।
सो रही थी क्या बुआ? अब हमारा काम हो गया है, बस एक दिन और, उसके बाद तुम घर आ सकती हो। मौसी, फिर आप हमें कभी छोड़ के नहीं जाएंगे ना? नहीं बुआ, कभी तुमको छोड़ के नहीं जाएंगे। आ जा फिलहाल। अपनी जिद, अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए शशि ने अपनी ही भांजी को किडनैप करवा लिया, एक मासूम को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। और बेचारे जानवी के माँ बाप को इस बात का अंदाजा तक नहीं है कि इस बदहवासी में भी जिस शशि की शादी की तैयारियों में वो जुटे हैं, वही उनकी असली गुनाहगार है। लगा भाई। अरे भैया वो फूल वहां लगाओ। टांगो भैया। इधर भी लगा दे थोड़ा सा भैया, लाल वाला भी लगा दे। ये सब क्या हो रहा है? वो अभी तक तैयार नहीं हुई जीजी। अरे ये तैयार नहीं हुई, देर हो रहा है, थोड़ी देर में वहां से बारात निकल जाएगा। तैयार? बारात? तैयारी? कहना क्या चाहते हैं आप लोग? हाँ चलो अंकल। अरे आप लोग होश में तो है? जानवी गुम हुई है, हम उसके बिना ही शादी नहीं करेंगे। ज्यादा बकवास मत करो, समझ गई ना, शादी तुमको करनी पड़ेगी। और जानवी गुम हो गई, जानवी गुम हो गई, ये बार बार बोल बोल के हम लोगों का जी मत जलाओ। सबको पता है जानवी गुम हो गई है, जाओ अंदर। शशि, कल लड़का वाले से बात हुई थी ना? अरे नहीं माना वो सब, कहा कि घर पे सब मेहमान आ गया है, अब नहीं रोक सकते। और रही जानवी की बात, तो पुलिस ढूंढ रही है ना? हमको कुछ समझ नहीं आ रहा, अनिल कह रहा है ना। चलो जी जी, हम कुछ भी कर लेंगे लेकिन ये शादी तो नहीं करेंगे। चलिए जाके जानवी को ढूंढिए। शशि ज्यादा ड्रामा मत कर, समझ गई ना, शादी करने के अलावा तेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं है। अरे तुम्हारे सामने बात हुई थी ना लड़का वालों से, नहीं मान रहे तो क्या करें? जा तैयार हो, जा। एक बात आप लोग कान खोल के सुन लीजिए, हम भी शादी नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, बस। बढ़िया शादी। ये आई है आईएएस का एग्जाम लिखने के लिए, अब चुपचाप अपने घर चलो। कहीं नहीं जाएगी, अब सीधा अपना ब्याह करके ससुराल जाएगी, और कहीं नहीं। 15-15 लोगों का खाना बनाना पड़ता है, शादी तो तुम्हारा करा के रहेंगे, समझी? कहा है ना जीजी, अब भी आप ही की बहन है, देखते कैसे होती है शादी। हम तुम्हारे लिए कुछ कर सकते हैं, पर हमको बताओ तो सही, हम करें का? आई है आईएएस का एग्जाम लिखने के लिए, 6 साल से यही सुन रहे हैं। 15-15 लोगों का खाना बनाना पड़ता है, शादी तो तुम्हारा करा के रहेंगे। कहा है ना जीजी, हम भी आप ही की बहन है, देखते कैसे होती है शादी। एक मिनट जीजी, आओ एक मिनट, जाके एक नजर देखो ससिया तैयार हुई कि नहीं हुई, बारात निकल गया है, फोन आया था। जाइए। शशि, शशि जी जी, आप सब समझ कह नहीं रहे हैं, अभी हम लोगों को जानवी को ढूंढना चाहिए। तुमको कहाँ लगता है हम चैन से बैठी हैं? हमारी जानवी की कोई चिंता नहीं है? अरे आग का तारा है हमारी बिटिया, तुम कहाँ समझोगी? इस चेहरे पे मुस्कान उसको देख के आती है, उसने कुछ खाया होगा कि नहीं, अरे पता नहीं कौन ले गया हमारी बिटिया को। जी जी, पुलिस वालों का फोन आया था। कहाँ कह रहे थे? मिल गई हमारी जानवी? कहाँ है जानवी? कुछ पता नहीं है, उन लोगों ने अर्जेंट बुलाया है, जल्दी चलो, चलो 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 चलो।
क्या कर रहे हम, क्या कर रहे हम, सब खत्म हो गया हमारे। हाँ हाँ मिश्रा जी, देखिए हम क्या कह रहे हैं मिश्रा जी, मेरी बात सुनिए, शादी तो नहीं हो पाएगी। अब एक तरफ भांजी का आरती उठ रहा है, दूसरी तरफ हम बहन का टोली नहीं उठवा सकते। नहीं देखिए, आपका जो भी खर्चा वर्चा है ना मिश्रा जी, हम सब दे देंगे। मिश्रा जी हमारी बातें सुनिए ना, हमारी बिटिया कहा गई, हमारी बिटिया कहा करेंगे, हम कहा करेंगे, भगवान सब खत्म हो गया। कहो खींच लिए फोटो? बड़े आए थे फोटो खींचने वाले, अब खींचना तुम हमारी फोटो पूरे एक साल तक। और कब मिल रहे हो तुम? तुमको एक खुशखबरी सुनाना है। तुम यहाँ अभी? और का, चलो अंदर। अरे आओ आओ, अब हमारा बात एकदम ध्यान से सुनो। दूर कोनो गांव में जाओ और वहां के पीसीओ से यहाँ के पुलिस को फोन करो और लाल कोठी के पास वाली तालाब में बुला लो। मगर काहे? अरे तुमको हमारा ब्याह रोकना है ना, तुम जैसा बोले ना वैसा करो। चलो जाओ, चलो 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 चलो, फोन करो जाके, जाओ जाओ जल्दी जाओ। अरे जाओ जाके फोन कर। अरे तुमको हम फोन कर रहे हैं ना, बार बार 10 बार फोन मत करो हमको। अच्छा ठीक है, हम आ रहे हैं मिलने के लिए। ए, तुम इतना काहे डर रहे हैं और यहाँ काहे आए हो, बुद्धू होगा? सी हमको बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या करते हम, क्या करते बताओ? अगर ये काम नहीं करते ना तो आज हम किसी और के साथ सुहागरात मना रहे होते। चलता तुमको? बच्ची को तुमने सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि तुम शादी नहीं करना चाहती थी? हाँ नहीं जीजी, आप हमको क्या बोल रही है, हम नहीं मारे जानवी को, हम तो इसको पकड़वाने आए थे। ये खूनी, इसने मारा हमारी जानवी को। इसने खून किया है? हा? जो यहाँ बैठ के बोल रही थी ना वो हम सब सुने, और फिर पुलिस को जानवी की बॉडी के पास में तुम्हारी चुंडी का ये मोती कहाँ से मिला, कहाँ से मिला बोल। शर्म नहीं आई उसका? मौसी मौसी कहते मुंह नहीं थकता था। अरे मेरी जान भी तो, मेरी जान भी तुमसे इतना प्यार करती थी, आंखें मूंद कर तुम पर भरोसा करती थी। क्या किया तुमने ऐसा, काहे किया? अरे जी जी, अरुका जी ले जाइए इन दोनों को, और ध्यान रखिएगा कड़ी से कड़ी सजा मिले इनको। ले जाओ इनको, चलो ले चलो इन्हें। छोड़ो छोड़ो, सिर्फ एक शादी रुकवाने के लिए एक फूल सी मासूम बच्ची की जान ले ली गई। शशि और रत्नेश जैसे लोगों के लिए उम्र कैद की सजा भी काफी नहीं है। इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड भले ही शशि थी, लेकिन गलतियां हर पक्ष से हुई। जहां रत्नेश ने अपनी बेवकूफियों की वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, वहीं अगर जानवी रत्नेश से इतनी घुली मिली नहीं होती, या शशि की बात मानने से पहले उसने अपनी माँ को खबर की होती, या फिर खुद मानसी ही शशि की हरकतों को देखकर सतर्क हो गई होती, तो आज शायद ये सब कुछ ना हुआ होता। अपने बच्चों को 24 घंटे तो कोई भी अपनी नजरों के सामने नहीं रख सकता, लेकिन हमारी गैर मौजूदगी में वो किनसे मिलते हैं, क्या बातें करते हैं, किसकी बातें मानते हैं, समय समय पर ये जांचते रहना बहुत जरूरी है। तभी हम खुद को और अपने परिवार को शशि जैसे अपराधियों से सुरक्षित रख सकते हैं। सावधान इंडिया, डर कर नहीं डट कर।